हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, मैं लखनऊ से। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ। अभी कोरोना की वजह से सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं और सभी बोर हो रहे हैं। अगर कुछ लोग अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे पास एक आप लोगों के लिए एक सजेशन है। ये देखिए, मेरे बच्चे इस समय काफ़ी शैतानियाँ घर पे कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं और खाली हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके एक आपस में विचार किया कि क्यों ना हम इस समय बच्चों को, खाली हैं और पढ़ाई भी नहीं है ज़्यादा कुछ और टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो क्यों ना एक उनको अच्छा सा टच दिया जाए। हम लोगों ने बच्चों से बोला कि रोज़ एक क्रांतिकारी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ लाइनेस लिखेंगे और उनके बारे में हमें कुछ बताएंगे, तो उनका ड्राइंग भी करेंगे। तो मेरे बच्चों ने ऐसे ही डेली एक लेख लिखते हैं, कुछ 10 लाइन 20 लाइन जितना हो सके, और ड्राइंग भी बनाते हैं। तो इससे क्या है ना, हमारे बच्चों को हमारे क्रांतिकारियों के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि आजकल पढ़ाई में ये सब कम बताया जा रहा है और बच्चों को इनके बारे में पता नहीं है। बहुत से मैं न्यूज़ देखती हूँ, जब कोई शहीदों का दिन होता है या कुछ अपने देश में कोई प्रॉब्लम्स होती है, कई लोग सेना में शहीद होते हैं और चैनल वाले लोगों से बात करते हैं और अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में पूछते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। और हमारे बच्चों को तो बहुत ही कम नॉलेज है, इस सब चीज़ें नहीं बताई जा रही स्कूल में, तो बहुत कम बताया जा रहा है। तो हम इन खाली दिनों को एक अच्छा सा उपयोग कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को डेली एक क्रांतिकारी के बारे में सर्च करने को बोलें, पढ़ने को बोलें, बुक्स और मोबाइल्स में किसी भी तरह जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो, और बच्चों को उनके बारे में कुछ लाइन लिखने को बोलें। आप चाहें तो डेली सुनें। मेरे हस्बैंड ITBP में है, वो तो रोज़ ऑफिस जाते हैं, मैं घर पे होती हूँ। मैं बहुत बिजी होती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारा काम हो जाता है, मैं फ्री नहीं हूँ, बट बच्चे फ्री हैं। तो हम उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरा सजेशन ले सकते हैं और आप अपने अपने बच्चों को भी डेली एक फ्रीडम फाइटर, एक दिन दो दिन में एक का, जितना भी आपको हो सके, जैसा भी आप उचित समझें, तो दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में उनको पता भी चलेगा और ये अच्छी नॉलेज भी है, उनका टाइम पास भी होगा और हम कुछ अच्छा करेंगे, तो समय का अच्छा उपयोग होगा। और सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।